असलम एवरीबडी एंड वेलकम टू आर फाइनल रमज़ान सीरीज़ एपिसोड ऑफ़ डायलॉग विद मारिया अच्छा अब ईद आने वाली है इसलिए मैं ज़्यादा ड्रेसअप होके बैठी हूँ आपके सामने ऑल्सो लास्ट अशा रमज़ान का बहुत ज़रूरी होता है आई नो कि ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल अशा होती है ये सबकी इंडिविजअल आई थिंक है नयनर को ढूँढना और लनतल्क़दर की फजीलत और ऑल्सो हमारी जो इबादात होती है अगले लास्ट अशरे में उस पर बात करेंगे एंड ऑल्सो मुझे पर्सनली आई डोंट नो को होता है कि नहीं मुझे एक अजीब सी वो तो क्या है रमज़ान ख़त्म होने वाला नहीं दिल बैठने से हो जाते हैं आई डोंट नो क्या है जब मुझे को कहता था ना जब मैं जवानी में जब मुझे को कहना था कि यार ये शैतान जो है ना यहाँ पर रमज़ान में अल्लाह ताला बंद कर देते हैं शैतान उसकीहदा बरकत भी कहती थी आमी लेकिन ऐश्वर्त अब जाके मुझे फील होता है कि एक बरकत जो रमज़ान की होती है ना हमारी जिंदगी में हमारे पास हमारी पीस ऑफ माइंड के लिए वो इतना ज़रूरी है और वो जब जा रहा होता है ना आपके अशर में तो मेरा दिल बैठना शुरू होता है नहीं रमजान फिर जा रहा है आप लोग को भी ये फील होता है तुम लोग डेफिनेटली डेफिनेटली और ये बल्कि ताक रातों को ढूंढने में भी मज़ा आता है जो बचपन से सुना होता है ना कि वो एक रात होती है स्पेशल कुछ कुछ हमारी बड़े बड़ों ने वो एक्सपीरियंस भी अपने शेयर किए होते हैं कि हमने एक रात ऐसी ढूंढी उसमें ये हुआ ये हुआ yes. तो वो बड़ा एक फैसिनेशन होती थी कि अच्छा oh. एक रात होती है जिसमें नींद बहुत आती है जिसमें खामोशी बहुत ज़्यादा होती है जिसमें हवा कोई ख़ास तौर से चलती है right. तो बंदा वो ढूंढने की कोशिश करता है वो अलग ही एडवेंचर होती है फिर पूछते हैं एक दूसरे से कि भाई तुमको क्या लगा कौन सी थी वॉट यू थिंक वो कौन सी थी तो मतलब तो 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 हर हर ट्वेंटी फ़र्स्ट हर रात पर हम ये सोचो कि शायद आज शायद आई नो कि हमारे बचपन में मेरी नानी भी हमारे साथ होती थी और नाजे को भी पता है इस बात का कि वो हमें बताया करती थी कि बेटा आ, मतलब उन्होंने बचपन में कदर देखी है वो ये कहती है कि तब ना ए सीज होते थे ना लाइट होती थी तब नए नए आई थिंक बल्कि वो अमृतसर में होते थे तब हाँ नानी अम्मी तो कहती हैं कि बेटा और उस तरह मुझे पता चला कि रेत तो क़दर होती क्या है बट दैट्स अ फर्स्ट इमेज जो मेरे दिमाग में रहा है तो वो कहती थी अल्लाह को जन्नत में और भी अच्छा दर्जा नसीब करे तो मेरी नानी भी कहती थी कि बेटा मुझे ना रात को एकदम से नींद खुली और मेरी ज़िम्मेदारी होती थी सबको उठाना सैरी पीना तो मेरी नींद खुली तो इतनी रोशनी थी बाहर इतनी ज़्यादा और येलो कलर की टाइप में रोशनी कि मैं डर गई मैंने कहा ओह मैं उठाना भूल गई और मेरी से सैरी मिस हो गई है और हम सब का रमजान रोज़ा खत्म होकर मुझे एकदम से डर के ना मैंने जाके अम्मी को जगा मैं कहते पहले मैं बाहर गई तो मुझे इतनी रोशनी नजर मैंने कहा तो बहुत लेट हो गए फिर अम्मी के पास गई अभी तो मैं उनको जगाया बाय द टाइम अम्मी अब को जगाया तो मैंने कहा अम्मी हम लोगों ने उन मिस कर दी है बाहर जब हमने देखा तो अंधेरा था तो वो सारे परेशान हो गए बेटा तुमने ख़्वाब देखा है तुमने क्या हुआ है फिर सुबह वो कोई स्पेशल मौलवी साहब के पास लेके गए नानी मी को और उनसे पूछा कि इस तरह हमारी बेटी तो कहते हैं कि कल रात शायद ललित ही थी और उसमें ये भी के, है ना हमारे कि जो सारे दरख्त हैं वो, वो सजदा सजदा करते हैं और बहुत सन्नाटा होता है कुछ डिफरेंट किस्म की लाइट होती है और बाद तीनों ने हज साथ किया हुआ गाइस तो अरफात में मुझे जो लाइट नजर आई थी वो कहते हैं ना कि ताला करीब आ जाते हैं दुनिया के अल्लाह ताला का नूर वो वाली अरफात की जब भी मैं इमेजिन करती हूँ ना दे, 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 जो अब अब पिछले साल से वो अराफात वाली लाइट मुझे याद आती है कोई स्पेशल नूर और स्पेशल लाइट होती है और ये तो ना, नानी में तो बात रही है और वही एक्चुअली अभी जो आफे बातें करी थी थिंक हाफ अभी नो ये सारा हवा चलने का और ये ये yes. उनको निशानियाँ भी अब लोगों को इतनी नहीं पता है एंड दिस इज अनाथ ने लास्ट एपिसोड में बात की कि हमें अपनी दीन की चीजों का हमें यू नो भूल ही गए हैं समझाना ही भूल गए हैं पढ़ना भूल गए हैं हाँ. तो ये जो लास्ट एंड रातें हैं इसमें ढूंढना इस में फिर अपनी अबीबन आज ए डिफरेंट वे कुछ एहतिकाफ़ yes. में बैठते हैं कुछ yes. वो बिकॉज वो उसमें इतना डिफरेंट फीस होता है जब आप लोगों से बात करो जो इतकाफ तो बैठते हैं उनका इतना डिफरेंट uh, एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस जो सबके साथ हम लोग uh, कभी यू you नो know, uh, बाकी दिन गुजारते हैं लेकिन जो uh, मेरी जो होती है कि उसमें कुरान ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ I like doing that, कि मैं हर ना इबादत का होता है हाँ। और कुरान जाने का ट्रांसलेशन ज़्यादा पढ़ने का और हर दफ़ा मुझे लगता है लास्ट दस रातों में जब कुरान भी पढ़ते हैं ना तो नई नई कोई उसकी मीनिंग समझ आती है जो पहले नॉर्मल उसमें नहीं समझ आती तो आई नो कि हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है हम लोग ऑनलाइन भी अक्सर कुरान uh, भी हम पढ़ते हैं उसकी तफसीर भी पढ़ते हैं साथ uh, जो है हम लोग की कमराजी भी हो जाती आ, 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 है हैं, और ना एक डिफरेंट किस्म की जैसे दौरा कुरान लोग बहुत करते हैं एक साथ डिस्कशन हो जाती हैं कन्फ्यूजन खत्म हो जाती हैं सो यस दैट्स यूरो वैसे ही रमजान में होता है लास्ट टेन डेज का जो हम लोग उसका हम लोग इज कि

एक साथ इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए हमें में बहुत मजा आता है लाइक यू सेड कि अगर ग्रुप में कनेक्टिवली करें ना चलें अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है तो अपनी फैमिली को साथ बैठा में hmm. बच्चों के साथ अगर आप एक कमरा डिवोट कर लें उस चीज़ को उसमें अच्छी सी आपने लगाई भी हो इन लगाई हुई हो अच्छी फ्रेगरेंस हो वहाँ पर लाइटिंग वो अच्छी सी माहौल बना है, तो एक है, एक है बना के। फिर ये आसमान जाके देखने में बहुत मजा आता है उनके साथ जाके हम आपको लग रहा है आज कुछ स्पेशल है आज ज्यादा है या नहीं है वट डू यू सो ब्यूटिफुल सो वो मजा आता है क्योंकि एक दो रातें इस तरह जो मुझे याद है बड़ी मेमोरेबल सो बच्चों को अगर अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है ऐसा जिसके साथ आप कनेक्टिव विबादत कर सकती है वाकई हमने अरफात में जब इबादत की थी हमारियात इट वॉज़ सो मेमरेबल बिकॉज हर तरफ़ हर कोई अपना कोई वहाँ पे खड़ा हुआ रो रहा है कोई वहाँ पे खड़ा हुआ yes. was yes. grown men crying और yes. इतना beautiful था खुले आसमान के नीचे लोग रो रो की इबादत कर रहे तो थे उनका एक पर्सनल मोमेंट चल रहा था अल्लाह के साथ एंड yes. even दो they were टुगेदर mm. तो वो कोई inhibition नहीं थी उसके बावजूद सब रो रो के इबादत कर रहे थे तो चले अगर हमारे कोई ग्रुप ना भी हो तो हम अपनी फैमिली को साथ बैठा के कोशिश कर सकते हैं कि कुछ टाइम इबादत करें अल्लाह की बात करें मे बी जाकर आसमान देखें रात को बच्चों के साथ कहें कि देखो कोई आज तुम्हें स्पेशल लग रहा है व ड यू थिंक क्योंकि एक दो दफ़ा इस तरह से महसूस हुआ पिछले रमज़ानों में कि मैं जाकर आसमान ज़रूर देखती हूँ ना तो कुछ दफ़ा इतना खूबसूरत आसमान जैसे वो एक दफ़ा हम नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हुए थे तो वहाँ पर उसी वक्त ही बारिश भी हो रही थी द होल स्काई वॉज लिटअप अब पता नहीं वो लेलतुल कदर थी या नहीं लेकिन आई फेंट सो ब्लेस्ड कि चलो जो भी रात है मुझे अल्लाह से एक महसूस हो रहा है कनेक्शन के और वो ये वाली जो चीज़ तुमने अभी कही है कि बच्चों को भी जो देखना आई जस्ट रियलाइज़ कि शायद कदर की मैंने कभी एक्साइटमेंट अभी बच्चों को नहीं दी ये देना भी बड़े ज़रूरी है बेटा देखो बिल्कुल अगर अब उनको ये प्राइस है ना कि ये जैसे हमारी उनकी पर नानी हमारी नानी नहीं देखी तो हुई हाँ। रह कदर तो कुछ स्पेशल हो गए जो नज़र आती है शायद आप भी स्पेशल हो बिल्कुल आप, आप अगर स्पेशल हो गए तो आपको अल्लाह ताला ये शायद दिखा भी दे बिल्कुल तो अगर आप अच्छे बच्चे बनोगे इस तरह की चीज़ भी होनी चाहिए बिकॉज हमें यही अपने माँ बाप से ही आइए कि क्योंकि हमारी नानी ने हमें कहा था तो हमें कहा कि शायद हमें भी नज़र आ जाओ बचपन मैंने हर ताक रात पे जाके मैं और रात पर दिया प्लीज़ मुझे जगा देना

ए, है, क्या, और कैसे करनी है और इसकी, जो की बात करते रहते, इसका अदब क्या है ah, does, so, uh, as you older, हमें तो अब समझ आ रही है बट अगर नेक्स्ट जनरेशन को हम नहीं अभी सिखाएंगे तो फिर तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल खत्म है ये पूरे मुस्लिम डेज में इतनी सेलिब्रेशन लाइट्स लगा देते हैं लोग और फिर मतलब पूरे महल्लों में इबादत जॉइट ही करते हैं इतकाफ़ लोग मस्जिद नब्वी और हरम में तो आई थिंक की बायदा लोग जाके अपनी नाम लिखवाते हैं और फिर वहाँ भी इतकाफ़ करते हैं यहाँ मस्जिदों में ऑब्वियसली और आदमी तो जाते हैं आदमी तो इतकाफ़ करते हैं और अहतकाफ़ का भी बहुत

बस you ये know, no, और आपके घर के थोड़े से वो खत्म हुए घर चलाना होता है होता है सारी चीज़ेंसिबिलिटीज कम yes. so हो गई हैं तो बच्चे बड़े हो गए हैं वो खुद करते हैं तो या फिर डू रहता है हाँ, so yeah, हाँ. चलो okay. इन <laughs> मुझे लेकिन नाजिर की बात से याद आया कि बाकी चीज़ें आहते आज खत्म हो जाती है ना अब मैं पढ़ रही थी कि जो आखिरी रात होती है न रमज़ान की लाइक नेक्स्ट डे आपका ईद है उस रात की बड़ी इंपॉर्टेंस है इट्स कॉल्ड सपोज्ड टू बी कॉल्ड नैनतुल जायजा जिसमें आप अपना एनालिसिस करें कि आपने इन थर्टी डेज में क्या किया है क्या सीखा है हम लोग तो स्ट्रीट पे दिखे हर हम तो चार रात बना रहे होते हैं आप क्या तो क्या बात कर रही हो आप चुमिया और और मेहंदी और बच्चे पच्चे वे करो नहीं वो करना गलत नहीं है सेलिब्रेशन है था 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 था। लेकिन इस चीज को मिस ना कर क्यों क्योंकि अगले दिन ईद आनी होती है और आप नोट करें कि एकदम से हम लोग ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं जैसे पता नहीं हम... पेट खराब होता है और जबरदस्त सप्रेस किया हुआ था एकदम से टीवी पे भी सारे जो भूत होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं सो सो वाइट यू क्योंकि हमने शायद जबरदस्ती कंट्रोल अब तक आपको किया होता है थोड़ा सा उसको इंटरनालाइज करने की जरूरत है

घंटा दो घंटे बैठ के देखते हैं उसके बाद <laughs> लेकिन न, तो ये जनरेशन में तो रिफ्लेक्शन और सोचना है हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो अपने टैब टैबलेट्स में लगी होती है उनमें रिफ्लेक्शन की चीज़ हाँ ख़त्म हो गई है तो आई थिंक रफजान में अगर किसी तरह हम वो स्टार्ट करते हैं कि बेटा थिंक बी क्वाइट थिंक थिंक अबाउट आपने आज क्या अचीव किया है या कुछ भी छोटी मोटे मोटे रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गई हमारी उसमें अच्छा हम मतलब ये ताक रातों की तो बात कर ली आखिरी अशरे की भी लेकिन जो ईद का हमारा कॉन्सेप्ट है अब ईद पे भी हम अल्लाह ताला ने उस सेलिब्रेशन के दिन को भी ऐसे नहीं बनाया कि आप सब कुछ भूल जाए फितरानी का कॉन्सेप्ट कितना बेना स्टार्ट होता है कि आप शुक्राना करें और दूसरों को ना भूलें जो वाज से कम लेस फॉर्चुनेट हैं तो मैंने एक चीज़ में देखी जहाँ पर भी नो सेलिब्रेशन होती है लिटिल बिट ऑफ ग्राउंडे कि आप भूलना जाए एंडलेस सेलिब्रेशन अपने की तरह आप हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रखें जैसे ईद पे भी फितराना दें और फिर जो मर्ज़ी करें तो फ़ितराने का कॉन्सेप्ट के बारे में क्या ख्याल है बहुत ही खूबसूरत है बिकॉज वही बात है कि आपने इस चीज़ को सिर्फ अल्लाह ने ये मैसेज दिया है मुझे तो लगता है कि आपने अपनी सबसे बड़ी खुशी वाले दिन भी उन लोगों को नहीं भूलना जो आपसे ज़रा कम है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते yes. तो आपने रोजे में तो अच्छा हमारे यहाँ क्या है ना कि रमज़ान का इंतज़ार करते जकवात निकालने के लिए भी और वो हम कोशिश yeah. करते बस उस ब्रैकेट के अंदर हम करें वो ब्रैकेट ख़त्म हो जाए तो फिर बस भूल जाते हैं hmm. तो वो ये है कि उसको भूलना नहीं है और उसको लेके आगे तक चलना है तो बहुत जाता है एक और भी चीज़ है जो तुमने कहा भी था कि हम लोग यूजुअली ईद के दिन कहते हैं लेकिन मुझे दो तीन साल से मैं ईद से एक हफ्ते पहले दे रही हूँ ताकि जिस जो भी फैमिली है जिसने ईद उनकी तुरसी बेहतर गुजरा है तो मैं एक दो फैमिलीज के लिए दो तीन फैमिली जो भी होती हैं उनको पहले दे देती एक हफ्ता दे आ, हफ्ता दस दिन उसमें यही होता है ना कि उनकी भी ईद का खाना पीना कुछ खरीदना अगर हो, तो उनके पास टाइम भी पहले हो सो so ये भी कॉन्सेप्ट है और ईद की सेलिब्रेशन में भी आम,

पूरे सब मिल के जो फैमिली का है ना दैट शुडो बी रेडी दैटी मैंने देखा है मॉडर्न पीपलोटैंडे फोर यू लेकिन ये आपके अगर बच्चे हैं एंड योर यंग यू मस्ट नॉट फोरगेट फैमिली के साथ ये सेलिब्रेशन इट्स ऑफ दिसन इज अबाउट दी हाँ बींग टूगेदर ईटिंग टूगेदर प्रेइंग टूगेदर To तो हाँ डाउट नहीं कर सकते कि इस्लाम में फैमिली का कितना इम्पोर्टेंस yeah. है और इवन ईद पे अपने एक्सटेंडेड फैमिली को मिलना बिल्कुल yeah. वो आपकी ब्लड रिलेशन का जो एक उनका हक होता है वो अदा करना yeah. आ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे रिलेटिव को मिलते हैं जो हम पूरे साल नहीं विदे होते yeah. तो उसको, उस को भी ब्रेक करना आई थिंक Yes. बिल्कुल नहीं अब करनी चाहिए uh -huh. क्या आपने? पर बिल्कुल ऐसे आपके रिलेटिव नहीं है hmm. उनसे शुरू करें क्योंकि वो आपको डबल उस चीज़ का मिलता है कि आपने एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की और दूसरा ये कि अपने उन रिश्तेदारों के साथ सलूक किया उस, उसने सलूक किया hmm. और आपके बच्चे ये सीखेंगे प्रैक्टिकली सो लेट्स नॉट फिर गेट ऑल्सो बिल्कुल सही बात है सो विद दिस एपिसोड वी एंड आर रमजान सीरीज हमें बड़ा मजा आया इस्लाम की बात करने का जो जो हमारी एक्सपीरियंस है उसकी बात करने का बट वी विल कंटिन्यू इंशाला विद द पॉडकास्ट आफ्टर रमज़ान एंड हम सब की तरफ से बहुत बहुत सी यू आफ्टर रमज़ान